दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम हर मैच में अपने फैंस को निराश करती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार अपने 4 मैच हार चुकी है और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से जो मैच हारा है वो 1 विकेट से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, उस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। पाकिस्तान की टीम 46.4 ओवरों में 270 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम और साउथ शकील ने 50 लगाई और साउथ अफ्रीका ने 47.2 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने उतरी तो बहुत तेज शुरुआत की, ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका 35 ओवरों में मैच जीत लेंगे, लेकिन एडन मार्करम ने 91 रन बनाए और वो आउट हो गए। उनके बाद तो ऐसा लगा कि विकेट गिरते गए उनके और मैच बुरी तरह फंस गया। साउथ अफ्रीका के 260 रन पर 9 विकेट हो गए थे और पाकिस्तान के गेंदबाज 1 विकेट नहीं ले पाए और उन्होंने मैच गंवा दिया। अब बात करते हैं मिक्की ऑर्थर की, जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं क्रिकेट टीम के। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया था, उस मैच में पाकिस्तान हार गया, उसके तुरंत बाद मिक्की ऑर्थर ने बयान जारी किया कि इंडिया टीम जब खेल रही थी तो वहां पर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान का कोई गाना बजाना नहीं हो रहा था, इस वजह से हमें दिक्कत हुई, हम मैच हार गए। मिक्की ऑर्थर ने यह बिल्कुल ऐसी बात कही थी जिसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन इंडिया के बाद जो पाकिस्तान टीम है उसके 3 मुकाबले हुए, उसमें भी तो पाकिस्तान तीनों के तीनों मैच हार गया, उसमें तो जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे, फिर भी पाकिस्तान की टीम कैसे हार गई? कुछ तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी बुरी बात है कि वो अपने मैच हार जाती है और वो हार कर भी जीत नहीं पाते हैं। अब जब पाकिस्तान चौथी बार मैच हार गया है तो मिक्की ऑर्थर ने अपने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो हमने 1 यूनिट के रूप में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। इस पिच पर स्कोर 300 से ज़्यादा होना चाहिए था, हमारे बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि हमने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आखिर में गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाए, वो उस दबाव को झेल नहीं पाए और 270 रन बहुत कम रहे। उन्होंने बोला पाकिस्तान टीम के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं उनमें से एक को तो 40 ओवरों तक रुकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मिक्की ऑर्थर ने जो कहा उस बात से यह साबित होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उस मैच में पाकिस्तान हारा था, तो मिक्की ऑर्थर ने जो बयान दिया था वो गलत दिया था और मिक्की ऑर्थर को अपनी टीम की कमजोरी के बारे में पता लग गया, तभी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना।